याद आ रही है केरी बहन जी। अरे नहीं नहीं भाई, हम लोगों को कैरी का नहीं बल्कि पिंक डायमंड स्टोर का स्वागत करना है। मगर क्यों? अरे भाई, हमारे गेम के अंदर इतने टाइम बाद पिंक डायमंड स्टोर इवेंट आने वाला है तो उसका स्वागत तो बनता ही है। हाँ तो भाई, अभी सभी लोग साथ में बोलो, आइए पधारिए पिंक डायमंड स्टोर जी। सही बात है। हाँ तो गाइस देखो, अब मैंने तुम लोगों से बोल दिया कि हमारे गेम के अंदर पिंक डायमंड स्टोर इवेंट आने वाला है, तो मैं जानता हूँ यार अभी आप लोग पिंक डायमंड स्टोर का कन्फर्म डेट जानना चाहते होगे और तुम लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि हमारे गेम के अंदर पिंक डायमंड स्टोर में क्या कुछ आइटम्स आएंगे। तो भाई फाइनली यार, अब आप लोग रिलैक्स हो जाओ और आज के वीडियो को पूरा ध्यान से देखो, क्योंकि यार आज के वीडियो में आप लोगों को पिंक डायमंड स्टोर इवेंट का सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिर तो गाइस बस इतना ही नहीं, आज की वीडियो के अंदर तो और भी बहुत ही सारा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि भाई आज मैं आप लोगों को FF टोकन एक्सचेंज स्टोर अपडेट के बारे में बताऊंगा। हाँ भाई, बहुत टाइम से हमारे FF टोकन एक्सचेंज स्टोर के अंदर कोई भी नया आइटम ऐड नहीं हुआ है, तो आज मैं आप लोगों को पूरा 100% डेट के साथ बताऊंगा कि हमारे FF टोकन में कब और कौन सा नया आइटम ऐड होगा। एंड फिर गाइस और भी बहुत सारे पेड इवेंट्स है, फ्री इवेंट्स है, जिनका इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में अवेलेबल है। और हाँ, मैं तो आप लोगों को बताना ही भूल गया, आज की वीडियो में तो मैंने यार आप लोगों के एक से एक मस्त मस्त कमेंट्स भी पिक कर रखे हैं। तो भाई एक तरीके से देखा जाए तो यार आज का वीडियो इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग रहने वाला है, तो आप लोग आज के वीडियो को पूरा ध्यान से पूरा एंड तक देखना। तो चलो तो गाइस फिलहाल तो हम लोग अभी आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो चलो, सबसे पहले मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले कुछ पेड इवेंट्स के बारे में बताता हूँ। जी हाँ गाइस, अभी तो आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो गाइस बहुत ही कमाल का रॉयल आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, यही वाला रॉयल हमारे इंडिया सर्वर के अंदर बहुत जल्द आने वाला है। एंड यार अगर हम लोग इस रॉयल के रिव्यू की बात करें तो भाई यहाँ पर टाइटन स्कार अवेलेबल है, साथ ही साथ गाइस यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा सा इमोट है, ग्लू वॉल है, बैकपैक एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ भाई, एक तरीके से अगर मैं आप लोगों को अपने हॉनेस्ट रिव्यू दूं तो भाई मुझे तो ये रॉयल बहुत ही अच्छा लगा, एंड क्योंकि यार अभी मैं ये भी जानता हूँ कि गाइस आप लोगों को भी ये रॉयल बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलो गाइस अभी हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये रॉयल हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने का वाला है। तो फिलहाल गाइस देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, अभी यार हमारे इंडिया सर्वर की फाइल के अंदर इस रॉयल के रिगार्डिंग कोई पोस्टर तो अवेलेबल नहीं है, बट यार जो मुझे PNG मिली, लीक्स मिली, उनके अकॉर्डिंग यार मुझे लगता है कि हम लोगों को हमारे गेम के अंदर 2 सितंबर सुबह 4 बजे रॉयल देखने को मिलेगा। हाँ भाई, मैं तुम्हें हमेशा ही 100% रियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो अगर अभी आप लोगों को ये रॉयल पसंद आ रखा है तो 2 सितंबर तक इंतजार कर लो। तो ऑलराइट, तो गाइस देखो अभी मैंने आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले एक बहुत ही कमाल के नए रॉयल के बारे में बता दिए, इसलिए यार अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और गाइस अभी हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले एक बहुत ही रेयर फिटेड व्हील के बारे में। हाँ भाई, अभी तुम लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो फिटेड व्हील गाइस आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, मैं आपको बताऊं तो यार अभी के टाइम पे हमारे फ्री फायर के कुछ 3-4 सर्वर के अंदर ये फिटेड व्हील आ रखा है, और भाई सच में ये फिटेड व्हील बहुत ही ज्यादा रेयर है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर एक तो ट्रॉपिकल पैरेट M1887 की स्किन है, साथ ही साथ गाइस जो यहाँ पर ग्लू वॉल अवेलेबल है, ग्लू वॉल भी बहुत ही रेयर है। हाँ उतनी काम की नहीं है बट रेयर है। तो भाई देखो, अभी इस फिटेड व्हील के रिव्यू की तो हम क्या ही बात करें, इतने रेयर आइटम से भरा हुआ ये फिटेड व्हील है तो सभी को पसंद जरूर आया होगा। तो चलो गाइस अभी हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये फिटेड व्हील हमारे इंडिया सर्वर के अंदर कब आएगा। हाँ तो भाई देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे ये फिटेड व्हील हमारे फ्री फायर के 3-4 सर्वर के अंदर मिला, अभी ये इंडिया सर्वर के अंदर कब आएगा इसके रिगार्डिंग हमारे इंडिया सर्वर की फाइल के अंदर कोई भी लीक्स नहीं है। तो यार अभी आप लोग थोड़ा सा इंतजार करो, जैसे ही मुझे हमारे इंडिया सर्वर की फाइल के अंदर से इस फिटेड व्हील के रिगार्डिंग लीक्स मिलेंगे तो मैं आप लोगों को इसके बारे में जरूर बताऊंगा। बट गाइस अभी इंडिया सर्वर के लिए इसका कोई भी कंफर्म डेट नहीं आ रखा है, तो अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और भाई अभी वक्त आ चुका है कि मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स पिक करूं और उनका रिप्लाई भी दूं। हाँ भाई सच में मुझे बहुत तगड़े तगड़े कमेंट्स आते हैं, तो इसलिए भाई आज तो कमेंट्स पढ़ने मजा नहीं, बहुत मजा आएगा। हाँ तो सरदार चलो अभी हम लोग हमारा पहला कमेंट पढ़ते हैं। इस कमेंट में ही बंदे ने लिखा है, ये भागदौड़ वाली जिंदगी ये जिंदगी मेला है, यहाँ किसी की 4-4 गर्लफ्रेंड और उज्जवल भाई अकेला है। हाँ भाई ये तो सच है यार, सभी लोग मजे कर रहे हैं, मैं ही अकेला बैठा हूँ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब खैर गाइस हम लोग इस दुख को छोड़ते हैं और दूसरे कमेंट की तरफ पढ़ते हैं, जिस कमेंट में ही बंदे ने लिखा है, पतन के हर कपड़े में खुद धोता हूँ, कि पतन के हर कपड़े में खुद धोता हूँ, ओल्ड पीक तेरी याद में मैं फूट फूट के रोता हूँ। बाप रे भाई, सेम है भाई, मुझे भी ओल्ड पीक की बहुत याद आती है, बट भाई क्या करे यार, समय के साथ साथ चेंजेस जरूरी है, तो इसलिए भाई नो हेट टू करीना फ्री फायर, जैसा भी है भाई बस गेम इम्प्रूव होना चाहिए। बाकी तो यार अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि यार यहाँ पर एक कमेंट में इस बंदे ने लिखा था, उज्जवल भाई आपके लिए शायरी, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, उज्जवल भाई और करीना की बेटी की जोड़ी लाखों में एक।
भाई मुझे तो यार ऐसे गरीना की बेटी वाले कमेंट पिक कर रहे हैं, बहुत डर लगता है कहीं गलती से गरीना को पता चल गया तो यार मेरे चैनल पे स्ट्राइक दे देगा। तो खैर गाइस देखो अभी मैंने आप लोगों के कुछ कमेंट्स वगैरह भी पिक कर लिए हैं। भाई पता नहीं यार आजकल तुम लोग इतने कम कमेंट्स क्यों कर रहे हो। हाँ भाई अभी जब मैं आज की वीडियो के लिए कमेंट्स पिक कर रहा था तो भाई मुझे कोई अच्छा कमेंट ही नहीं मिला। भाई एक तो बहुत ही कम कमेंट आए थे और यार फनी कमेंट तो पूछो ही मत, मुझे यार कोई भी अच्छा फनी कमेंट मिला ही नहीं। तो फाइनली गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कल की वीडियो में आप लोगों का कमेंट पिक करूं तो यार उसके लिए आप लोग आज की वीडियो को लाइक कर दो, एंड क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स का कमेंट पिक करता हूं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर गाइस कमेंट सेक्शन पे जाके आप लोग फनी फनी कमेंट्स करना। हाँ भाई कोशिश करना कि आप लोग 4-5 कमेंट कर दो जिससे कि यार मुझे इजीली आप लोगों का कमेंट दिखेगा और मैं उसको कल की वीडियो में पिक कर लूंगा। तो खैर गाइस अभी आप लोग कमेंट्स करो, तब तक हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यार अभी हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले कुछ फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में। हाँ तो गाइस अभी तो आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो आइटम्स यार अभी आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो ये सारे के सारे आइटम हम लोगों को फ्री में मिलने वाले हैं। हाँ भाई हम लोगों को हमारे गेम के अंदर VR रैंक सीजन 36 में सारे के सारे आइटम फ्री में मिलेंगे। तो चलो गाइस अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल इन आइटम्स का रिव्यू करवाता हूँ। तो गाइस देखो सबसे पहले तो यहाँ पर एक अपर अवेलेबल है जो कि यार फीमेल का अपर है और ये अपर हम लोगों को हमारे गेम के अंदर VR रैंक सीजन 36 में हेरोइक पहुंचने पर मिलेगा। उम्मीद है गाइस आप लोगों को ये अपर पसंद आया होगा। देन तो यार अभी तो आप लोग यहाँ पर अवेलेबल ये पैराफेल का स्किन भी देखो। मैं आपको बताऊं तो गाइस हम लोगों को ये पैराफेल गन का स्किन भी हमारे गेम के अंदर VR रैंक सीजन 36 में फ्री मिलेगा। देन तो गाइस इसके बाद आप लोग यहाँ पर अवेलेबल ये इमोट भी देखो। देखो गाइस ये इमोट सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम लोगों को VR रैंक सीजन 36 में ये इमोट मास्टर पहुंचने पर मिलेगा। उम्मीद है गाइस आप लोगों को ये इमोट पसंद आया होगा। भाई पसंद तो आया ही होगा यार, फ्री की चीज है किसको पसंद नहीं आती। तो ओवरऑल तो गाइस देखो इस इमोट के बाद फिर यहाँ पर काफी सारे अवतार और बैनर अवेलेबल है। मैं आपको बताऊं तो यार ये अवतार बैनर हम लोगों को अलग अलग लीग के हिसाब से मिलेंगे। हाँ भाई यहाँ पर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम डायमंड हेरोइक हर एक लीग का अवतार बैनर अवेलेबल है। और भाई वैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो अलग अलग रैंक सीजन के अवतार और बैनर होते हैं इसमें कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, बस यार जो बैनर होता है उसमें थोड़ा सा इफेक्ट और डिजाइन चेंज कर दिया जाता है। साथ ही साथ गाइस जो अवतार होता है उसके ऊपर तो डायरेक्टली रैंक सीजन नंबर लिख दिया जाता है, जैसे कि यार यहाँ पर VR रैंक सीजन 36 के अवतार है तो उनके ऊपर 36 लिख दिया है। तो ऑलराइट तो गाइस देखो अभी तो जो भी हो मैंने आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले VR रैंक सीजन 36 से सारे के सारे रिवॉर्ड्स का रिव्यू करवा दिया है। उम्मीद है यार आप लोगों को ये सारे के सारे रैंक सीजन रिवॉर्ड्स पसंद आए होंगे। तो चलो तो गाइस फिलहाल तो अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और गाइस अभी हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले कुछ और फ्री इवेंट्स के बारे में। देन यार मैं आज आप लोगों को पिंक डायमंड स्टोर का भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। हाँ तो भाई अभी तो आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो इवेंट गाइस आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो ये इवेंट हमारे गेम के अंदर 29 अगस्त को आएगा। एंड भाई इस इवेंट के अंदर हम लोग सिंपल से मिशन कंप्लीट करके काफी बढ़िया से फ्री रिवॉर्ड्स ले पाएंगे। हाँ भाई इस इवेंट के अंदर से हम लोगों को गोल्ड रॉयल वाउचर मिल रहा है, UMP की स्किन की क्रेट मिल रही है, एक सब बोर्ड मिल रहा है और साथ ही साथ किंग फिशर की स्किन भी मिल रही है। तो ओवरऑल तो गाइस देखो क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को इस इवेंट का कंफर्म डेट बता दिया, इसका रिव्यू भी करवा दिया है, तो भाई अभी वक्त आ चुका है कि हम लोग आज की वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें जो कि है हमारा पिंक डायमंड स्टोर इवेंट। जी हाँ गाइस देखो मैं आप लोगों को बता दूं ये पिंक डायमंड स्टोर इवेंट एक बहुत ज्यादा रेयर इवेंट है और यार वैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो ये इवेंट हमारे गेम के अंदर आज से लगभग 1 साल पहले आया हुआ था और यार उस टाइम पे सभी ने इस इवेंट के अंदर से काफी लेजेंडरी आइटम्स को भी लिया था, इसी वजह से गाइस ये इवेंट बहुत ज्यादा रेयर हो गया। और भाई गरीना तो ऐसे रेयर इवेंट को हमारे गेम के अंदर कभी भेजता ही नहीं है, यही कारण से यार ये इवेंट आज तक हमारे गेम के अंदर इंडिया सर्वर पर रिटर्न नहीं आ रखा है। पर तो गाइस देखो मैं आप लोगों को बता दूं अभी यार कुछ 3-4 दिन पहले ही हमारे गेम की फाइल के अंदर गरीना फ्री फायर ने पिंक डायमंड स्टोर की कुछ PNG वगैरह ऐड कर रखी है। और भाई ये बात तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोल रखी है कि गरीना हमारे गेम की फाइल के अंदर उसी इवेंट की PNG ऐड करता है जो इवेंट हमारे गेम के अंदर बहुत जल्द आने वाला होता है। तो अब क्योंकि गाइस हमारे गेम की फाइल के अंदर पिंक डायमंड स्टोर इवेंट की PNG ऐड हुई है तो इसका मतलब तो यही होता है कि यार हम लोगों को हमारे गेम के अंदर अब बहुत जल्द पिंक डायमंड स्टोर इवेंट देखने को मिलने वाला है। मुझे पता है तुम लोग सोच रहे होंगे कि यार पिंक डायमंड स्टोर क्या इसी अगस्त मंथ आएगा, तो भाई देखो मैं आप लोगों को बता दूं हम लोगों को पिंक डायमंड स्टोर हमारे गेम के अंदर अगस्त मंथ में देखने को नहीं मिलेगा, बट यार नेक्स्ट मंथ सितंबर में हमारे गेम के अंदर 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में पिंक डायमंड स्टोर इवेंट आ जाएगा। हाँ भाई अब पिंक डायमंड स्टोर के लिए इतना इंतजार कर रखा है तो थोड़ा सा इंतजार और कर लो, नेक्स्ट मंथ की 12-13 तारीख के आसपास पिंक डायमंड स्टोर हमारे गेम के अंदर आ जाएगा। तो फाइनली तो गाइस देखो मैंने आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले पिंक डायमंड स्टोर इवेंट के बारे में बता दिया है, साथ ही साथ यार और भी काफी सारे इवेंट्स का मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो यार अब मैं मिलूंगा आप लोगों से कल की वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।